दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि आपने देखा, इससे पिछली वीडियो में हमने अपना फार्माकोलॉजी का वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने प्रॉपर देखा था कौन कौन से टाइप के हमारे रूट होते हैं जहां से हमारी ड्रग को दिया जाता है। ओरल, इंट्राविनस यानी पैरेंट्रल, नेजल और माउथ से, सबलिंगुअल जो भी है, सारे हमने देखे और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस प्रॉपर पूरी वीडियो एक ही लेक्चर में कवर हुई है। तो आप वहां से हमारी जाके जो है प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं और इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉपर मिल जाएगा लिंक जहां से आप देख सकते हैं और फिर प्रॉपर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सिलेबस में भी देख लेते हैं। देखो अब क्या है हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन, दो टॉपिक हो चुके हैं। देखो 10 घंटे का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्माकोलॉजी को समझने के लिए जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है, यहीं से ही काफी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद तो बस वही बचता है क्लासिफिकेशन क्या है ना। और जितनी भी आप कैटेगरी देखोगे ना कि कौन कौन से ड्रग की क्लासिफिकेशन, उनके अंदर ही आप प्रॉपर पढ़ोगे कि कैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कैसे एक्सक्रीशन हो रहा है, कैसे ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे हैं। तो यहां अगर हम उन्हें देख लेते हैं तो प्रॉपर सारी चीजें जो है कवर हो जाएंगी, ठीक है। ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग एब्जॉर्प्शन इसके अंदर हमें क्या देखना है, डेफिनेशन, टाइप्स, फैक्टर्स, कौन कौन से ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो देखो ड्रग एब्जॉर्प्शन का मतलब ही क्या हो जाता है, इसका मतलब यही है कि ड्रग कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, ड्रग कैसे एब्जॉर्ब हो रही है ना, बोल सकते हैं हम। तो वही चीजें हमने इसके अंदर जो है पढ़नी है, ड्रग कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, एक तरीके से क्या ड्रग का एब्जॉर्प्शन देखना है हमें। एब्जॉर्ब मतलब कि कैसे जाके हमारी वो सोख रही है ना, मतलब कैसे बॉडी में जा रही है, एक जगह पे गई वहां पे घुली एक तरीके से, तो एब्जॉर्ब हो रही है वो। तो वही हमें इसके अंदर पढ़ना है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखनी है, फिर टाइप्स, फिर फैक्टर्स। तो देखो नॉर्मली अब ड्रग का एब्जॉर्प्शन यानी कि कुछ ना कुछ तो क्या होगा, मूवमेंट होगी तभी तो एब्जॉर्ब होगी। तो वही तो पढ़ना है हमें कि ड्रग की क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, एक जगह से सीधा कहाँ पहुंच रही है, हमारे सर्कुलेशन में, बोले तो हमारे ब्लड में पहुंच रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ड्रग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो देखो वही चीजें प्रॉपर लिखी हुई है, ड्रग एब्जॉर्प्शन इज मूवमेंट ऑफ द ड्रग, ड्रग का मूवमेंट क्या है, ड्रग का मूवमेंट फ्रॉम इट्स साइट, उसकी अपनी जगह से। मानो तुमने ओरल रूट से लिया ड्रग को, ड्रग गई ओरल से होते हैं हमारे कहा लीवर तक गई, फिर क्या हमारे ब्लड में चली गई, तो वही उसकी जगह से कहाँ गई, अपने सर्कुलेशन में, ब्लड में चली जाना, यही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और ये प्रोसेस से हमें क्या पता चलता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हाउ क्विकली, कितनी तेजी से और कितने आराम से, एफिशियंटली ड्रग जो है एंटर कर रही है किसमें, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। कहीं पे सिस्टमिक वर्ड आए तो समझना किसकी बात कर रहा है, ये ब्लड में जा रही है ड्रग, है ना, हमारे सर्कुलेशन में, ठीक है, कैसे एंटर करती है, समझ गए होंगे। एब्जॉर्प्शन का मतलब यहाँ पे सिर्फ यही है कि मूवमेंट हो रही है और हमारी ड्रग एब्जॉर्ब किस जगह पे जाके हो सकती है, हमारे ऑर्गन, ऑर्गन हर जगह क्या है, ब्लड ही तो भरा हुआ है, तो ब्लड में ही तो जाके एब्जॉर्ब होगी, वही हमने इसमें बताया है। अब टाइप्स, यानी कि देखो टाइप्स बोल लो इसको या फिर मैकेनिज्म बोल लो, क्या बोल दो, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, इस नाम से भी आ सकता है ये, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन यानी कि किस तरीके से ड्रग जो है मूव कर रही है, कहाँ पे, हमारे सर्कुलेशन में, तो उसके तरीके हमें बताने हैं। तो देखो पैसेज ऑफ ड्रग यानी कि ड्रग का जो रास्ता है वो किधर से होता हुआ जा रहा है, किसको पार कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन को, किस प्रोसेस से, दो प्रोसेस से। देखो कहीं भी अगर किसी भी जगह पे अगर हमारे ब्लड तक पहुंचना है तो किसको पार करना पड़ता है यार, देखो सेल की जो मेम्ब्रेन है, हर जगह सेल है, ब्लड में भी क्या है सेल है, तो वहां पे भी क्या है, एक मेम्ब्रेन है, तो उसको पार करना बहुत जरूरी है। तो हर कोई चीज जो है मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाती, तो वही उसके मैकेनिज्म है कि किस तरीके से ड्रग जो है एब्जॉर्ब होगी, वही हमें तरीका इसके अंदर देखना है। तो दो प्रोसेस से हमारी ड्रग पहुंच जाती है कहाँ, हमारे ब्लड में, एक होता है पैसिव ट्रांसफर, एक होता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट, यानी कि इसे हम पैसिव डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं और इसको स्पेशलाइज्ड डिफ्यूजन बोल सकते हैं। डिफ्यूजन का पर्टिकुलरली मतलब होता है मूवमेंट। तो पैसिव के अंदर क्या आता है, सिंपल डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन आता है,
स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है और पिनोसाइटोसिस आता है, एंडोसाइटोसिस का पार्ट। ये भी हम इसके अंदर देखेंगे कि क्या होता है। तो हमने देखा दो टाइप्स हैं, यानी कि जिसके थ्रू हमारी ड्रग जो है सेल मेम्ब्रेन को पार करके एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट है यानी कि इसमें क्या होता है, मूवमेंट होती है ड्रग मॉलिक्यूल की एक्रोस, यानी कि उसको पार करते हुए सेल मेम्ब्रेन को फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन। यानी कि देखो अब ड्रग हमने ओरल रूट से ली मान लो, तो वहां क्या है ड्रग की कंसेंट्रेशन अभी ज्यादा है। ठीक, तो अब हम उसे ब्लड में पहुंचाना है जहां पे कंसेंट्रेशन क्या है, लो है। तो एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें हमारी ड्रग जो है मूव कर रही है और किधर जा रही है, हायर से लोअर की तरफ जा रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और इसमें हमें किसी भी कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, कोई ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिए होती, ये डिफ्यूजन हमारा खुद होता है ड्रग का। ठीक है, इसके अंदर आता है हमारा फर्स्ट सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या है, देखो मूवमेंट ऑफ ड्रग थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, वही लिखा हुआ है कि सेम कि अब जो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है, यानी कि हर चीज को आधी परमिएबल, यानी कि पूरी परमिशन नहीं देती हर चीज के लिए, क्या होती है सेमी होती है, कि एबिलिटी होती है उसके अंदर परमिट करने की, किसी भी चीज को परमिशन देने की, तो वो क्या है सेमी परमिएबल है मेम्ब्रेन। फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन से कहाँ जाने देती है, लो कंसेंट्रेशन, तो इस काम के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती, यानी कि कोई कैरियर नहीं चाहिए होता, जो हम आगे देखेंगे। तो देखो वही मैंने यहाँ डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे देखो ये एक हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये देखो लिखा भी है मैंने यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, यानी कि हमारा डिफ्यूजन चल रहा है जिसमें ये बीच में देख रहे हैं आप, ये क्या है पूरी सेल मेम्ब्रेन है, जिसमें हमारा यहाँ पे क्या है हायर कंसेंट्रेशन है ड्रग की। ड्रग मॉलिक्यूल दो टाइप के हमारे ड्रग मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है, यानी कि जो ऑयली नेचर की होती है, नॉन लिपिड बोले तो हमारी ये क्या होती है एक्वस ड्रग होती है, क्या होती है एक्वस, जो पानी में डिजोल्व हो सकती है। ठीक है, और हमें पता है कि हमारी जो मेम्ब्रेन है वो भी किसकी बनी होती है, लिपिड की बायलेयर होती है ना, तो ये सोचो अब ये भी लिपिड की और हमारी ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ये भी ड्रग भी लिपिड सोल्यूबल है, तो यहाँ पे आराम से डिफ्यूजन हो जाता है मेम्ब्रेन के अंदर जो है लिपिड सोल्यूबल वाली आराम से आ गई, तो ये क्या हो गया पैसिव डिफ्यूजन। ठीक, और ये जो ये वाली देख रहे हो आप पर्पल वाली है ना, ये क्या होती है एक्वस वाली, तो एक्वस वाली जो होती है ना हमारी, वो एक्वस पोर जो होता है मेम्ब्रेन में स्पेस होता है एक पैरासेलुलर स्पेस, जहां पे क्या भरा हुआ रहता है एक्वस, यानी कि यहाँ पे पानी की मात्रा होती है, पानी यहाँ पे है तो यहां से ही हमारी नॉन लिपिड यानी कि एक्वस सोल्यूबल ड्रग जो होगी वो हमारी इस रास्ते से जाएगी, और इसी को ही हम क्या कहते हैं फिल्ट्रेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो दोनों ही प्रोसेस समझ लिए हमने यहाँ पे, पैसिव डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन, तो यही हमारा क्या है हमारा पैसिव ट्रांसफर के अंदर आ जा रहा है। सिंपल डिफ्यूजन को ही पैसिव डिफ्यूजन बोल देते हैं, तो इजी है ये, और एक्वास्पोर को ही हम पैरासेलुलर स्पेस कहते हैं, ये समझ जाओगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, फिर देखो उसके बाद वही जो मैंने लिखा है मतलब समझाया है वही यहाँ पे लिखा है, पैसेज ऑफ ड्रग, ड्रग का पैसेज यानी कि रास्ता किसके थ्रू, एक्वास्पोर के थ्रू इन दी मेम्ब्रेन में और थ्रू पैरा सेलुलर स्पेसेस, जो सेल को पार करने वाला जो स्पेस है जहां पे एक्वस पानी भरा हुआ है वहां से हमारी नॉन लिपिड यानी कि एक्वस सोल्यूबल ड्रग चली जाएगी वहां से, तो ये भी इजी है। उसके बाद आ जाता है हमारा स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट देखो क्या होता है कि इट रिक्वायर्स कैरियर, क्या चाहिए होता है इसे, कैरियर चाहिए होता है, यानी कि इसको हेल्प चाहिए, इसके लिए एक हेल्पर होता है जो इसकी हेल्प करता है, ये बिना हेल्प के डिफ्यूजन हो ही नहीं सकता, और एक ये क्या सा होता है सिलेक्टिव प्रोसेस होता है, यानी कि इसके लिए हमने कैरियर चूज करे हुए होते हैं कि ये वाला टाइप का ट्रांसपोर्ट होगा तो ये कैरियर जाएगा, अगर ये वाला टाइप का ट्रांसपोर्ट होगा, ये भी आप देखोगे अभी पता चलेगा आपको। ठीक, इसको डायग्राम से बताने की इतनी जरूरत नहीं थी तो मैंने बस ऐसे ही बताया है, क्योंकि देखो आपके लिए मेन है पैसिव और एक्टिव को जानना है यहाँ पे। ठीक, और फिल्ट्रेशन वगैरह, अब स्पेशलाइज्ड यानी कुछ स्पेशल चीजें चाहिए होंगी, लाइक कैरियर चाहिए होगा और ये सिलेक्टिव होगा प्रोसेस, ये हर टाइप के कैरियर जो होंगे वो हर अलग अलग टाइप के डिफ्यूजन में काम आएंगे,
ऑल्सो रिक्वायर एनर्जी. एनर्जी क्यों चाहिए होती है देखो इसमें, क्योंकि कि यहाँ पे जो ड्रग की मूवमेंट होती है लोअर कंसेंट्रेशन से किधर होती है, हायर कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है. ठीक, जहां पे लोअर कंसेंट्रेशन है किसकी, सोल्यूट की, अब वो कहाँ जाएगी, हायर की तरफ. तो इस काम के लिए क्या होगा, थोड़ी एनर्जी भी तो चाहिए होगी, यानी कि एक्टिव करने के लिए हम क्या दे रहे हैं, उसे एनर्जी दे रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं. रिक्वायर्स कैरियर, यहाँ पे कैरियर कौन कौन से देखो चाहिए होते लिखा हुआ, जैसे कि एबीसी. एबीसी का मतलब होता है देखो एटीपी, एटीपी बाइंडिंग कैसेट है ना, ये ट्रांसपोर्टर का नाम है जो इसमें हेल्प करता है, जो हमारे ड्रग मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर देता है, कहाँ पहुंचा देता है, हायर कंसेंट्रेशन की तरफ. देखो सेम ऐसे ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का टाइप बदल जाता है और ये एक तरीके का ऐसा डिफ्यूजन बन जाता है बिल्कुल लाइक पैसिव डिफ्यूजन की तरह. इसका जो ट्रांसपोर्टर होता है हमारा सोल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर, ये क्या करता है, पैसिवली काम करता है, यहाँ पे एनर्जी की भी कोई जरूरत नहीं होती. बट इसको हमने स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट के अंदर इसलिए डाला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे खुद से काम नहीं हो रहा है, हमें ट्रांसपोर्टर की मदद चाहिए, और ट्रांसपोर्टर की मदद से ही वो बिल्कुल पैसिव डिफ्यूजन की तरह काम करेगा, जहां पे एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी. और ड्रग कहाँ मूव कर जाएगी, हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ. ठीक है, और क्या है, पिनोसाइटोसिस. अब पिनो यानी कि पीओ है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एंडोसाइटोसिस यानी सेल के अंदर होने वाला एक प्रोसेस है, ठीक, अंदर की साइड, जिसमें हमारा जो सेल होता है वो खा जाता है किसको, बाहर के सारे फ्लूइड को, एक्स्ट्रा सेलुलर जितना भी फ्लूइड होगा उसको खा लेगा. तो इससे क्या होगा, सेल के अंदर जाएगा, फिर ब्लड में एब्जॉर्ब होंगी चीजें, है ना, तो क्या होगा, इससे एनर्जी मिलेगी, ग्लूकोज मिलेगा. तो यही तो चल रहा होता है, तो जैसे प्रोटीन वगैरह का अपटेक जो हो रहा होता है ना, प्रोटीन हमारे सेल मेम्ब्रेन को इसी तरीके से क्रॉस करता है कि उस न्यूट्रिएंट को अपटेक कर लेता है कौन, हमारा सेल, एनगल्फ कर जाता है, खा जाता है. ठीक, इसलिए हम इसको सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं, कि सेल क्या कर रहा है, पी रहा है. इसमें ये न्यूट्रिएंट अपटेक, जैसे वही मैंने बताया प्रोटीन वगैरह के लिए प्रोटीन को हम ले रहे हैं, तो वो इसी तरीके से अब्सॉर्ब होता है, किस कौन से मेथड से, पिनोसाइटोसिस. अब जो हमने ये टाइप देखे और एब्जॉर्प्शन पढ़ा, तो ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, है ना, जैसे कि फिजिकल स्टेट. अब फिजिकल स्टेट किसकी, ड्रग की. अगर हमारा ड्रग लिक्विड फॉर्म में है तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होगा, है ना, ड्रग इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड आर वेल एब्जॉर्ब, अच्छे से एब्जॉर्ब होगा देन सॉलिड, जैसे सिरप वगैरह हो गए, ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जितनी जल्दी एब्जॉर्ब होंगे उतनी जल्दी असर दिखाते हैं. पार्टिकल साइज, जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा अच्छा होगा. वही कह सकते हैं जैसे अगर हम सब्जी बना रहे होते हैं, अगर हमने आलू बड़ी बड़ी काट दी तो क्या होगा, वो ज्यादा गैस लेगी, ज्यादा टाइम लेगी पकने में, बजाय अगर हम उसे छोटा छोटा काट दें तो वो जल्दी पक जाएगी. ऐसे ही अगर हमें ड्रग को, मेडिसिन को घोलना है हमारे ब्लड में, तो अगर उसका साइज पर्टिकुलरली छोटा है, स्मॉलर है उसके पार्टिकल ड्रग के, जिनसे वो ड्रग पूरी बनी हुई है, तो एब्जॉर्प्शन भी जल्दी होगा. और अगर वही कि लार्ज पार्टिकल साइज है तो डिफिकल्टी होगी. तो फिजिकल स्टेट भी इम्पॉर्टेंट है और पार्टिकल साइज भी. उसके बाद सॉल्युबिलिटी भी काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, कि वही कि अब जो सॉल्यूशन फॉर्म में जो ड्रग होती है, जितने भी देखते हो, वो जल्दी सॉल्युबल हो जाती है, जल्दी घुल जाती है सॉलिड के मुकाबले. सॉलिड पहले सॉल्यूशन फॉर्म में जाएगी उसके बाद घुलेगी, और जो सॉल्यूशन है वो डायरेक्ट घुल जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन भी तो वहीं पे क्विकली होगा, तो सॉल्युबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है. अब कंसेंट्रेशन, देखो कंसेंट्रेटेड फॉर्म जो होगी ड्रग की, यानी कि जो जितनी गाढ़ी फॉर्म में होगी ड्रग, उतनी जल्दी वो एब्जॉर्ब होगी देन पतले सॉल्यूशन से, डायल्यूट यानी कि पतला, ज्यादा से ज्यादा उसमें पानी मिला हो, है ना, मतलब कि कोई भी सॉल्वेंट देके उसे पतला कर रखा है. और ये क्या होता है, गाढ़ापन, यानी कि गाढ़े फॉर्म में जो ड्रग होगी वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी. एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, एरिया क्या होगा देखो एब्जॉर्बिंग सरफेस का, ग्रेटर द एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस फास्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा. अब क्या है इसमें, सर्कुलेशन टू साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन की, अब जितना ज्यादा जिस साइट पे हमारी ड्रग गई, अगर वहां पे ब्लड फ्लो जितना अच्छा होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाएगा ड्रग का, तो सर्कुलेशन जो है साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. उसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ड्रग एब्जॉर्प्शन को बताता है. जैसे सम ड्रग, कुछ हमारी ड्रग्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं कौन से रूट से, पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी कि जब हम उन्हें इंजेक्शन रूट से देते हैं, है ना, और अगर ओरल से दिया तो वो एब्जॉर्ब नहीं होंगी, तो इसीलिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तुम किस रास्ते से ड्रग को दे रहे हो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
जैसे ये फेल हो जाती है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो इसलिए हम इसे पारेंटल देते हैं। जैसे इंसुलिन हो गया, इसको हम कौन से रूट से देते हैं? बाय सबक्यूटेनियस। ठीक है, जो हमारी एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है वहां पे अप्लाई किया जाता है सबक्यूटेनियस रूट से। तो ये था हमारा किसके बारे में, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारा बुहत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ड्रग एब्जॉर्प्शन हमने इसमें पढ़ा, टाइप पढ़े, डेफिनेशन पढ़ी, मूवमेंट ड्रग का देखा कौन कौन से टाइप से हो रहा है, पैसिव डिफ्यूजन से, एक्टिव डिफ्यूजन से, उनके अंदर के टाइप देखे, है ना, वो सारी चीजें हमने इसमें देखी और कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। और इसके बाद देखो, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बायो अवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, बट वो थोड़ा बहुत देख लो यहाँ पे, ये बिल्कुल हमारी किससे मिलती जुलती है, हमारी एब्जॉर्प्शन से। ये डिफाइंड एज द, ये ड्रग हमारी कितनी एब्जॉर्ब हुई और सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गई, है ना, कितनी क्वांटिटी में, हाउ मच ड्रग एब्जॉर्ब। तो देखो बायो यानी लिविंग, लिविंग में कितनी अवेलेबल है कोई चीज, उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं, अगर हम उसे किसी भी रूट से दें। ठीक है, तो वो क्या है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी। और 100% किसकी रहती है बायो अवेलेबिलिटी, इंट्रावेनस इंजेक्शन की। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाती है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो गाइज देखो, इस वीडियो में हमने अपना एब्जॉर्प्शन जो है काफी इजी तरीके से कवर कर लिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर इसको आपने प्रॉपर अच्छे से देखा है तो। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। देखो, और वो कहते हैं ना कि देखो मोटिवेशन की जरूरत जो होती है वो हर किसी को होती है, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे मोटिवेशन और अच्छा मिलेगा, जल्दी जल्दी प्रॉपर आपको नोट्स भी मिलेंगे। इसके अलावा देखो, हमारे चैनल पे आपको जनरल इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कि कौन सी बीमारी है ये, इसका इलाज कैसे होगा, ये सब चीजें भी हमारे चैनल पे स्टार्ट होने वाली हैं। तो गाइस बने रहिए, ठीक है, थैंक यू।